गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर तो चलिए आज के दिंदू ट्यूटोरियल वकेबरी की शुरुआत करते हैं वकैबरी के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं वकैबरी की आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है यूजिंग ऑल ऑप्शन ऑन कोवैक्सीन लाइसेंसिंग यूजिंग ऑल ऑप्शन ऑन कोवैक्सिन लाइसेंसिंग जो बात कही गई है अब कोविड जो वैक्सीन है उसके बारे में बात कही गई है कि किस तरह से टीकाकरण जो है इनोकुलेशन जो है उसको बढ़ाना होगा और उत्पादन में भी तेजी लानी होगी जिसके लिए जो नए प्लेयर्स है जो नए फार्मा प्लेयर्स हैं उनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए उसमें थोड़ी तेजी लानी होगी उस प्रक्रिया में लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है उसमें तेजी लानी होगी जिससे कि नए प्लेयर्स जो है वो दवाई बना सके और जिससे जो इनाक्युलेशन का प्रोसेस है उसमें तेजी लाई जा सके इसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है पहला जो वर्ड है आज का वो है रेवेज रेवेज यहाँ पे वर्ग की तरह यूज हुआ है रेवेज का मतलब होता है किसी भी चीज को तहस नहस कर देना बर्बाद कर देना नष्ट कर देना जैसे अभी कोविड नाइन्टीन जो पेंडेमिक है इसने सब कुछ क्या कर दिया तहस नहस करके रख दिया है बर्बाद बर्बाद करके रख दिया है उस कंटेक्सट में इस वर्ड का यूज हुआ है रेवेज का टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट इज कॉल्ड रेवेज एंटोनिम सेनोनिम्स हैं इसके डेवास्टेट रोइन और डिस्ट्रॉय डेवास्टेट रोइन और डिस्ट्रॉय इसके सेनोनिम्स हैं एंटोनिम्स ऐ प्रोटेक्ट एड और हेल्प प्रोटेक्ट एड और हेल्प इसके एंटोनिम्स हैं रेवेज वर्ड के अगला शब्द है mitigate, मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज की जो सीरियसनेस है पेनफुलनेस है उसको कम कर देना गंभीरता को कम कर देना प्रॉब्लम को थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कमी कर देना उसको बोला जाता है mitigate. टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट सीरियस और पेनफुल दैट इज कॉल्ड मिटिगेट सिनोनिम्स है एलिविएट रिड्यूस ईज Alleviate, reduce, ease. Elevate, reduce, ease.

एडवांटेज इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्स्टेंट वर्ड अगला शब्द है ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेशन यहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना वृद्धि होना उन्नति होना उसमें उसे बोला जाएगा ऑगमेंटेशन अमाउंट which something increases इज कॉल्ड augmentation. पिछले हफ्ते भी हमने ये वर्ड लिया था वो था ऑगमेंट आज ये वर्ड आया है एडिटोरियल में ऑगमेंटेशन सिर्जमेंट एडिशन एंटोनिम्स फॉल डिक्लाइन डिक्रीज फॉल इसके एंटोनिम्स ऑगमेंटेशन वर्ड के अगला शब्द है रिजिट का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कठोर हो सख्त हो एकदम कड़ी हो उसको बोला जाता है और इनफ्लेक्सिबल हार्ड स्टबर्न इनफ्लेक्सिबल हार्ड स्टबर्न एंटोनिम्स टॉनिम्स है फ्लेक्सिबल इलास्टिक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल इलास्टिक सॉफ्ट इसके एंटोनिम्स हैं रेजिट वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास रिडन

शियल इसके एंटोनिम्स हैं रिजेंडेंट वर्ड के अगला शब्द है यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है हमारा दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग है आर्थलेस एंड हर्थलेस ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आर्थलेस एंड हर्थलेस ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके अंडर की गवर्नमेंट है नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रही है जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास भी होगा राष्ट्रपति आवास भी होगा तो इस तरह की बातें कही गई एडिटोरियल में कि इस समय ये यूजलेस है सरकार को इस समय जो सबसे बड़ी चीज है पेंडेमिक को कैसे ओवरकम किया जाए उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि वो इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे इसकी कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे इसके बारे में दी गई दिया गया है पूरा एडिटोरियल ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा पहला जो वर्ड है इसका वो डेमोलेशन डेमोलिशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है demolition का मतलब होता है बिल्डिंग के बारे में ये यूज हुआ है है कि पुरानी बिल्डिंग को dem किया जा रहा है उनका तोड़फोड़ की जा रही है विध्वंस किया जा रहा है विनाश करना उसको बोला जाता है डेमोलिशन द डेमोलेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर अ बिल्डिंग इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग इट ऑफन इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग एल्स इन इट्स प्लेस दैट इज कॉल्ड डेमोलिशन डेमोलिशन के सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्शन डेवास्टेशन रोइन डिस्ट्रक्शन डेवास्टेशन और रोइन इसके एंटोनिम्स है रिहेबिलिटेशन कंस्ट्रक्शन और प्रेजर्वेशन रिहेबिलिटेशन कंस्ट्रक्शन और प्रजर्वेशन इसके एंटोनिम्स हैं डेमोलिशन वर्ड के अगला शब्द है एम्पेरियस एम्पेरियस यहाँ पे जितने की तरह यूज हुआ है एम्पेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में इसका यूज होता है बहुत ज्यादा घमंडी होना अभिमानी होना प्राउडी होना उसे बोला जाता है एम्पेरियस ये वर्ड यूज हुआ है सरकार के लिए ऑटोक्रेटिक अपना ही डिसीजन वो ले रही है मतलब बनवाना डिसीजन उसके लिए यूज किया गया वर्ड एम्पेरियस इफ यू डिस्क्राइब सम वन एज एम्पेरियस यू मीन दैट दे हैव अ प्राउड मैनर एंड एक्सपेक्ट टू बी बियोन ओबेड माफ कीजिएगा एक्सपेक्ट टू be obeyed. that is called imperious imperious के सिनोनिम से arrogant bossy autocratic em arrogant bossy autocratic एंटोनिम से humble obedient modest humble obedient modest इसके antonyms हैं imperious word के अगला शब्द है हमारे पास obsession obsession यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है obsession का मतलब होता है किसी काम की धुन सवार होना सनक होना पैशनेट होना किसी काम के प्रति उसको बोला जाता है obsession

अगला शब्द है ग्रेंड्योर ग्रेंड्यूअर्स यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है ग्रैंड का मतलब होता है एकदम भव्य कोई चीज होना भव्य शानदार या विशाल यहाँ उसी बिल्डिंग की बारे में बात जा रही है क्वालिटी ऑफ बींग लार्ज एंड इंप्रेसिव दैट इज कॉल्ड ग्रेंड्यूअर से नॉरिम्स है शेम और अगलेनेस इनसिग्निफिकेंस, शेम और अग्लीनेस इसके हैं ग्रोर वर्ड के अगला शब्द है आयरनी आयरनी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है आयरनी का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई व्यंग्य मारना ताना कसना उसको बोला जाता है आयरनी आयरनी इज अ अल फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट इन्वॉल्व सींग थिंग्स दैट आर द अपोजिट ऑफ वर रियली मीन दट इज कॉल्ड आयरनी आयरनी के सिनोनिम्स है सटायर मॉकरी और पैराडॉक्स सटायर मॉक्री और पैराडॉक्स इसके से ऑनेस्टी सिंसियरिटी और जेन्यूनस ऑनेस्टी सिंसियरिटी और जेन्यूनस इसके एंटोनिम्स हैं आयरनी वर्ड के अगला शब्द है कोलोसिस कोलोसिस यहां पे नाम की तरह यूज हुआ है कोलोसिस का मतलब होता है बहुत बड़ा होना आकार में बहुत बड़ा होना विशाल काय होना उसे बोला जाता है कोलोसिस उसी बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे भी उसी इमारत के बारे में बात हो रही है समवन और समथिंग दैट इज अब नॉर्मली लार्ज एंड पावरफुल दैट इज कॉल्ड कलॉसिस सिनोनिम्स है जायंट मॉन्स्टर बिहेमथ जायंट मॉन्स्टर बिहेमथ एंटोनिम्स है मिजिट और पीवी मिजिट और पीवी इसके एंटोनिम्स हैं कलॉसिस वर्ड के अगला शब्द है मॉन्यूमेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है किसी तरह का स्मारक या फिर कीर्ति स्तंभ स्मारक बिल्डिंग की बात हो रही है इवेंट दैट इज कॉल्ड मोन्यूमेंट मोन्यूमेंट के सिन मेमोरियल स्टैचू और कमोमोरेशन मेमोरियल स्टेच्यू और कमोमोरेशन एंड एडमायर और डिस्प्रूफ admire और disprove इसके एंटोनिम्स हैं monument word के अगला शब्द है हमारे पास opaque opaque यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है opaque का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो अस्पष्ट होना या ऐसी चीज हम बोल सकते हैं जिसके आर पार जो है वो प्रकाश ना जा सके ऐसी कोई चीज जो अपारदर्शी हो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी बात के बारे में जिसे समझना काफी टफ हो काफी मुश्किल हो उसे बोला गया है opaque

अगला शब्द है कैवेलियर कैविलियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कैवेलियर का जो सिंपल सा मतलब होता है घुड़सवार ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवारी करे उसे बोला जाता, जाता है कैवेलियर कैवेलियर का यूज जो एडिटोरियल में हुआ है वो हुआ है ऐसे व्यक्ति की सेंस में जो कि लापरवाह हो बेपरवाह हो सरकार की सेंस में बोला कहा गया है ये वर्ड कैवेलियर लापरवाही बरतना और या लापरवाह बेपरवाह होना उसे बोला जाता है कैवेलियर

और आज की द हिंदू एडिटोरियल वैकबरी का अंतिम शब्द है अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यहाँ पर मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई बात ऐसी घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैजर है अन एक्सेप्शनल यूनिक

वीडियोज के लिए बने रही है चैनल पर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग